जाने की बात आप बाहर चलो बोल के क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं बाहर चलो? आप नहीं बोल सकते मेरे को। दिस इज हज हाउस, दिस इज माय हज हाउस। आप गड़बड़ मत पैदा करें। देखिए हम पीसफुल बात कर रहे हैं, हम आप एक प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो, आप एक देखिए बाहर चलिए, वो तो क्या बात हुई और आप अकेले को नहीं, सबको नहीं तो क्यों? आप पूरी पब्लिक, आप गालियों में चलते, आप पूरी पब्लिक पूरी गालियों में चलते, आप पर्टिकुलर, आप पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं बोल सकते चलिए बाहर। कॉपरेट देखिए, हम कॉपरेट कर रहे हैं। आप आप गलत जो है स्टेप ले रहे हैं, आप गलत जो है बात कर रहे हैं। हम आपको कॉपरेट कर रहे हैं। हम कंट्री का जो सिचुएशन है, गांव के नाम पर मुसलमानों को जो मारा जा रहा है, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। और आप इस बात करने खिलाफ हम मुख्तार अब्बास नकवी से बात करने और एहतजाज करने आए थे। पुलिस ने जुल्म किया और पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है। ये समझिए कि तेलंगाना को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। और मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे थे, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, ये समझिए कि हमारा मुतालबा था। लेकिन इस मुतालबे को पुलिस ने अपनी कुव्वत के जरिए कुचलने की कोशिश की है। ये मुतालबा जारी रहेगा और एक एहतजाज जो कत्लेआम के खिलाफ है वो जारी रहेगा। हम मुल्क को बचाना चाहते हैं, बात करने और एहतजाज करने आए थे। पुलिस ने जुल्म किया और पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है। ये समझिए कि तेलंगाना को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। और मुख्तार सेंट्रल मिनिस्टर अब्बास मुख्तार, क्योंकि वो अखिलियत की बहबूद के मिनिस्टर है और इतने लोगों के कत्लेआम के बाद में मुसलमानों के एक लफ्ज भी नहीं बोले। अगर कोई आरएसएस का संचालक अगर जैसो कुछ मर जाता है तो वो जैसो बोलते हैं, लेकिन इतने जैसो मुसलमान शहीद हुए तो उनके बारे में कुछ भी नहीं बोले। हुकूमत के जुल्म, जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, खाली गांव रक्षक के नाम पे जुल्म नहीं हो रहा है, ये लफ्ज़े मुसलमान है बल्कि जुल्म हो रहा है, ताकि ये लोग मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला करना
इनका मकसद है ये, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये बीजेपी का मकसद है ये कि जो सो यहाँ पर मुसलमानों की दिलाजारी करना, मुसलमानों की दिलाजारी करना।